बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको चिकन के कबाब बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इनको मैं टू वे से बनाऊँगी, साथ में चिप्स भी बनाऊँगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इनको बना लेते हैं। टू ऑनियन इसमें डाल लेते हैं। ऑनियन को इस छानने में निकाल लेते हैं। ऑनियन को 10 मिनट्स के लिए इनको रख लेते हैं और इसके ऊपर प्याला रख के ऐसे दबाएं। जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, हरा धनिया, मिंट स्लीव्स। हरा धनिया ज़्यादा यूज़ होगा, मिंट स्लीव्स कम यूज़ होंगे। मिंट स्लीव्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इन सब चीज़ों में वाटर नहीं होना चाहिए, इनमें वाटर होगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे। इन सब चीज़ों को अलग से ग्राइंड करेंगे और इनको ऑनियन को अलग से। अगर ऑनियन के साथ इनको ग्राइंड कर लेंगे तो इनका सारा टेस्ट जो है ऑनियन के वाटर में वेस्ट हो जाएगा। इसको चम्मच की मदद से दबा के इसका वाटर निकाल लें। अब इनमें वाटर नहीं निकल रहा, वाटर जो है ख़त्म हो गया है, इनको यूज़ नहीं करना। चिकन का कीमा 1/2 kg, ये सब चीज़ें डाल लेते हैं। ऑनियन भी डाल लेते हैं। 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon, ब्लैक मिर्च पाउडर 1 teaspoon, साल्ट 1/2 tablespoon, अजवाइन 1/2 teaspoon से भी बहुत कम। अजवाइन डालने से टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कॉर्न स्टार्च 2 tablespoon, इनको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। कॉर्न फ्लावर नहीं है तो आप मैदा डाल लें 1 tablespoon। चिकन के कबाब में बेसन का इस्तेमाल ना करें, उसके इस्तेमाल करने से टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। क्यूमिंग सीड, इनको इसमें हल्का सा कूट लें 1 tablespoon। चिकन के कबाब में बॉइल्ड पोटैटो नहीं डालने, अगर बॉइल्ड पोटैटो डालेंगे तो आपके कबाब सख्त रेडी होंगे। चिकन के कबाब को एयर फ्रायर और ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसके बीच में 2 और इंग्रेडिएंट्स डाल लें, इससे कबाब जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी होंगे और ड्राई नहीं होंगे। योगर्ट 1 tablespoon, कुकिंग ऑयल 1 tablespoon, इनको मिक्स करें। इनको मिक्स करके फ्रिज में 1/2 hour के लिए रख लेते हैं। कबाब बनाना है तो हाथ पे आयल लगा लें, आयल नहीं तो वाटर भी लगा सकते हैं। प्लेट पे आयल लगाएं। आपने बड़े साइज का बनाना है या छोटे साइज का, आपकी अपनी मर्जी है। एयर फ्राई में बना रहे हैं, इसमें कुकिंग ऑयल लगा लें। कबाब इनमें रख लेते हैं।
गैप दे के रखना है। ये एयर फ्राई 1 टेबल स्पून है। मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है कीमे के बीच में डाला है, थोड़ा सा इसको लगाया और हाथ पे लगाया तो 1 टेबल स्पून हो गया पूरा ऑयल। टाइम सेट करना है 2 मिनट्स का। इनकी साइड चेंज करें। अब 3 मिनट का टाइम लगाना है। ये देखें 5 मिनट में ये रेडी हो गया। अगर आपने ज़्यादा देर करना है तो आप जो है 7 मिनट भी कर सकते हैं। फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं कम ऑयल के साथ। हीट ऑन करके इनको हल्का गर्म कर लेते हैं। टू मिनट के बाद साइड चेंज करें। ये रेडी हो गया 5 मिनट में। चिप्स बनाना है तो चिप्स बनाने के लिए व्हाइट आलू लेने चाहिए, इससे चिप्स जो है टेस्टी बनते हैं। रेड आलू नहीं यूज़ करने चाहिए, रेड आलू जो है टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। आप इनको छिले बगैर भी बना सकते हैं और छील भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आलूओं को काट के फौरन जो है कूल वाटर में डाल लें। आलूओं के चिप्स को एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, उसमें बनाएं तो इनको पहले बॉईल कर लें फिर इनको इसके बीच में बनाएं। चिप्स को डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई कर लें। आलूओं को 3 से 4 टाइम इनको वॉश कर लिया, इनका वाटर निकाल दिया। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल लेते हैं। इनको हाफ फ्राई करके निकाल लें। चिप्स को ठंडा होने के लिए रख लेते हैं 10 मिनट्स के लिए, फिर बाद में डीप फ्राई करेंगे। इनको दोबारा फ्राई करें। अब इनको निकाल लेते हैं। जब सब फ्राई हो जाए हीट बंद कर लें। अगर पहले हीट बंद कर लेंगे इनके बीच में ऑयल चला जाएगा। 10 मिनट में फ्राई हो गए हैं। फ्राई करने के बाद बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून साल्ट, इनको मिक्स करें। इनमें मैंने जो टिप यूज़ की है आप ज़रूर करें, उससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये देखें ये फुल कुक हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं ये सॉफ्ट बने, और जो मैंने ऑयल में फ्राई किया ये भी। ये बनके रेडी हो गए। आप अपने स्पाइस और कीमा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।